हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ था। लेकिन 15 अगस्त के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद ही हमें पता हो, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया ही नहीं। लोकसभा सचिवालय के शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। नंबर 2, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी, इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ। नंबर 3, यह वाला फैक्ट तो शायद ही आपको पता होगा, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिप नाम की लाइन के साथ हुआ था। नंबर 4, भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन हमारा अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में जनगण मन लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। ये वाला फैक्ट आपको कब पता चला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरह। फैक्ट नंबर 5, 15 अगस्त को हमारे देश भारत के अलावा और 3 देशों को भी आज़ादी मिली थी, तो चलिए जानते हैं वो 3 देश कौन कौन से थे। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, तो वही फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को तथा ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ। नंबर 6, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, लेकिन जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो गांधी जी इसके जश्न में शामिल नहीं हुए, क्योंकि गांधी जी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन पर थे। नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की आधी रात को वायसराय लोज, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, वहां से दिए थे। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उनके इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को एडवांस में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।